आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके असम कॉम्पिटेटिव क्लासेस गोविंद के द्वारा। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि हम लोग का क्लास चल रहा था क्या चीज़ का, परसेंटेज का। और परसेंटेज में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कुछ कुछ पढ़ चुके थे। जैसे हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा जैसे खपत वाला पर पढ़ चुके थे, कौन किससे ज़्यादा है उस पर हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे ऐसा प्रश्न पढ़े ना हम लोग कि अगर ए बी से अगर इतना परसेंट ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, या ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट ज़्यादा होगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरा हम लोग इस आधार पर पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु का कीमत अचानक बढ़ जाता है तो हम लोग कितना खपत कमा दे कि मेरा खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। या ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वस्तु का कीमत अचानक से कम जाता है और हम चाहते हैं कि जब वस्तु का कीमत कम जाता है तो खर्च हम कितना बढ़ाएं कि मेरा खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जो वृद्धि वाला पर हो गया था, कमी वाला पर हो गया था। आज एक अलग टॉपिक जो कि हमको जनसंख्या से संबंधित है और इस पर एक प्रश्न पूछता है परीक्षा में और इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग दिया है जनसंख्या पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र, जिसमें आपको पहला सूत्र है यहाँ पर देखिए, आपको समझिए कि यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है, पी के जगह पर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1,000, 2,000, 4,000, 1,00,000, 2,00,000, और यह जनसंख्या अगर 8% वार्षिक दर से बढ़ता है, 8% वार्षिक दर से बढ़ने के वाला क्या कि हर एक साल 8% बढ़ रहा है, 10, 20, 50 कुछ हो सकता है। अच्छा एक चीज़ और समझा देते हैं यहीं पर कि जो चीज़ यहाँ लिख रहा है कि 8% बढ़ रहा है, ये घट भी तो सकता है, है ना, तो कभी भी ऐसा भी हो सकता है चाहे बढ़े चाहे घटे। अगर यहाँ पर पूछेगा कि एन वर्ष बाद जनसंख्या, एन का मतलब क्या कि जैसे वर्तमान जनसंख्या अगर किसी शहर की 10,000 है, अगर कह दिया कि 10% पर साल बढ़ रहा है तो पूछेगा कि 5 साल के बाद जनसंख्या कितना, 6 साल के बाद कितना, वही आपका एन है। एन के जगह पर क्या हो जाएगा आपका समय, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी हो। तो एन वर्ष बाद अगर जनसंख्या पूछेगा तो आपका सूत्र होगा P(1+R/100)^n। अगर यही जनसंख्या मेरा अगर घटेगा तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा P(1-R/100)^n। हम आइए थोड़ा सा इस सूत्र को यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख दिए हैं, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूत्र मेरा सही में आ रहा है कैसे। जी सर। नहीं देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई शहर की जनसंख्या है, मान लिया जाए चलिए 200, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या है जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे पी से। अगर यह जनसंख्या हमारा हर एक साल 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव लिखते हैं, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आर परसेंट तो कितना हो गया 20%। अब यहाँ से पूछता है कि अगर हमको बताइए कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितना होगा, सर निकल जाएगा, यानी मेन के जगह पर हमारा क्या है 30। हम इस सूत्र को तो डायरेक्ट लिखे ना, हम इसको देखिए आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि अगर देखिए कि 200% हमारा अभी है वर्तमान और 20% हर एक साल बढ़ रहा है, हमको ये बताओ कि एक साल के अंत में जनसंख्या कितना हो जाएगा। अगर एक वर्ष के अंत में अगर देखा जाए तो बताओ 200 जनसंख्या है, 20% बढ़ेगा तो बताओ किसी चीज़ को हमको बढ़ाना घटाना तो हम बता चुके हैं, तो 200 × 100+20/100 होगा, हो गया एक साल के अंत में जनसंख्या ही हो गया। अच्छा जो हमारा जनसंख्या एक साल के अंत में हुआ, दूसरा साल का ही प्रारंभिक जनसंख्या होगा, नहीं, और फिर इस जनसंख्या में फिर 10% बढ़ेगा दूसरा साल। तो अब यहाँ से अगर हम भी देखेंगे फिर कि सर 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना हो जाएगा, अब इसका 10% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ेगा, नहीं, तो अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 200 × 100+20/100, अब इसको भी हमको 20% बढ़ाना है, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं गुना 100+20/100, ये जनसंख्या क्या हो गया 2 साल के अंत का जनसंख्या हो गया। अब बताइए जो 2 साल के अंत का जनसंख्या हो गया, तीसरा साल का ऊपर आरंभिक जनसंख्या रहेगा, और अगर फिर पूछेगा कि तो 3 साल के अंत में कितना हो गया, तो 3 वर्ष के अंत में अगर देखा जाए जनसंख्या तो अभी टोटल जनसंख्या का फिर 20% बढ़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि हर एक साल जनसंख्या मेरा 20% बढ़ रहा है। तो फिर पुनः अगर हम करेंगे तो 200 × 100+20/100 × 100+20/100, और फिर इसी का फिर 20% अगर हम बढ़ाएंगे तो टोटल जनसंख्या गुना 100+20/100। अब बताइए यह हमारा वर्तमान जनसंख्या था,
अभी अगर इसको अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम काट कूटा ऐसे अगर करें तो 100/100 एक हो जाएगा, प्लस 20/100 यानी कि 8/100 के रूप में रहेगा। या ऐसा ना करके हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं 200, ये सेम 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 है, तो सेम सेम अगर जितना बार जाएगा तो 100+20/100 कई बार गया, 3 बार, टोटल के पावर बताइए कि 3 हो गया कि ना, देखा जाता है। हाँ ठीक है, और उसी प्रकार अगर 4 साल के अंदर बुझ जाएगा तो 4 बन जाएगा, 5 साल के अंदर बुझ जाएगा तो 5 बन जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए फाइनल हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि 200 × 100/100 कर सकते हैं, प्लस 20/100 हो जाएगा, तो पावर टोटल कितना हो गया 3, 100 से 100 खत्म, तो फाइनल होगा 200 × 1+20/100 के पावर 3। अब देखो ये 200 हम क्या माने हैं, पी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा पी इंटू 1+20 हमारा क्या है आर है, आर बट्टा 100 के पावर 3 हमारा क्या है समय है नंबर इन। तो बताइए ये जो फॉर्मूला हम जो डायरेक्ट लिखे हैं ये कहीं ना कहीं इसी के तर्ज पर बैठता है। तो अगर 3 साल के लिए कहा तो P × 1+R/100 3 हो जाएगा, जो जितना जाए कह दें हमको समय अगर 5 के लिए कहेगा तो 5 लेंगे नहीं, हाँ एकदम साधारण जो बनता है ना वो विसंधान वाला उसी पर एकदम तर्ज पर बनेगा। वही बात है जनसंख्या एक वहाँ पर ये भी हो सकता है P × 1−R/R/100 जब बढ़ती है तब जनसंख्या क्या होगा प्रत्येक साल पर ईयर घटेगी। तो दिक्कत नहीं ना, यानी कि जनसंख्या अगर हमारा बढ़ेगा तो P × 1+R/100 लेंगे, और अगर घटेगा तो P × 1−R/100 लेंगे। कोई दिक्कत, तो आइए हम इसको कुछ प्रश्न को पहले देख लेते हैं, इसके बाद हम अगला टाइप पर चलेंगे। अब देखिए अभी जो हम टॉपिक बताए हैं सूत्र बताए हैं उस पर एक प्रश्न है, एक प्रश्न आपका है कि एक कस्बे की जनसंख्या, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या आपका है 176,400, कितना है 176,400, एक कस्बा का मतलब नगर या शहर कोई भी समझ सकते हैं, इसकी जनसंख्या आपका है 176,400 और इसमें 5% प्रति वर्ष की वृद्धि होता है, यानी कि 5% वार्षिक दर से क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है 5%, यानी आर के जगह पर कितना है 5%। तो आपको बताना है कि 2 साल के बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी, यानी कि आपका प्रश्न यही है कि 2 साल के बाद जनसंख्या हमारा कितना होगा। देखिए यहाँ पर पी के जगह पर कितना है 176,400 और आर के जगह पर कितना है 5%, और जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना, तो हमको और एन का मान कितना हो गया 2, तो 2 साल के बाद जनसंख्या, तो कितना जनसंख्या का फॉर्मूला क्या लिखवा है P × 1+R/100 तो पी के जगह पर कितना हो जाएगा 176,400 × 1+R के जगह पर कितना 5/100 और एन के जगह पर 2 हो जाएगा। अगर कहता जनसंख्या घटने की बात आता तो यहाँ माइनस हो जाता, तो फाइनल आपका आंसर इसी को काट करते होगा। देखिए यहाँ से 5 से 20 में कट जाएगा, 1+1/20 1+1/20 देखिए 21 हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, चलिए इससे काट 1,94,000 1,94,000
देखिए अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, शांति से सबको सुनिए ध्यान से। एक प्रश्न है आप लोगों को कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की संख्या कम होती है, क्या हो रहा है? कम। बच्चा की संख्या कम हो रहा है, कितना? 10% प्रत्येक साल। ठीक है, और सुनिए, यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो, कितना कह रहा है कि 2003 वर्ष में बच्चों की संख्या कितना है? 2000 हो। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या कितना हो? 2000 हो, तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना है कि 2006 वर्ष में बच्चा की संख्या कितना होगा, यही प्रश्न है। बन जाएगा सबके? हाँ सर, बहुत आसानी से बन जाएगा ना। एग्जाम बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपका आर के जगह पर 10% है, लेकिन वो क्या हो जाएगा? कमी हो रहा है, वर्तमान जनसंख्या या बढ़ जाएगा, और 2006 को मतलब कि 3 साल समय होगा। देखिए लगे हाथ हम बनाते हैं, यहाँ पर बताइए 1000 पर कितना वर्तमान जनसंख्या, कितना? ऐसे बताए 2000 अब आपको जो पूछ रहा है कि n वर्ष बाद जनसंख्या, सूत्र हमारा यही ना होगा जी, 3 × 1 − r/100 होगा ना, पी के जगह पर क्या हो जाएगा? 2000 − r/10/100 n के जगह पर कितना? 3। यहाँ से देखिए 2000 × रेडिएशन पकड़ गया, 1 − r/3 2000 × यहाँ से देखिए 10 में क्या था? 9/10 होगा, 14/58 2000 देखिए, अब सभी विद्यार्थी लोग देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर लिखा है दूसरा टाइप है आपका, टाइप टू हो गया। नहीं, इससे पहले हम लोग पढ़े थे यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है और 8% वार्षिक दर से अगर बढ़ेगा अथवा घटेगा, तो पूछे हम लोग पढ़े थे कि n वर्ष बाद जनसंख्या कितना पढ़े हम लोग, p × 1 + r/100 या p × 1 − r/100 ये पढ़े। अब आपका सवाल दे रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है और 8% वार्षिक दर से यह जनसंख्या बढ़ती है अथवा घटती है, यानी बढ़ने वाला भी दे सकता है घटने वाला भी दे सकता है, तो आपको अब बताना है कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितना होगा। अब बाद वाला नाम पूछ कर क्या पूछ रहा है, n वर्ष पूर्व, n के जगह पर जहां 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी हो सकता है, तो उसका सूत्र आपका है कि p/1 + r/100 या मतलब बढ़ेगा तो हो जाएगा, और अगर घटते जाएगा तो p/1 − r/100 जहां n आपका समय है और आपका 10% है। अब इसी को हम थोड़ा सा आपको बेसिकली प्रूफ करके समझा रहे हैं कि ताकि आपको मैंने अच्छा से दिमाग में बैठ जाए। देखिए, अगर हम ई मान लेते हैं कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या कह रहा है, अगर हम ई मान लेते हैं कि माना कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या मेरा x है, कितना है n वर्ष पूर्व जनसंख्या x है, जो पूर्व वाला निकालना है ना, तो अब बताओ चाहे आज से 10 साल पहले की बात कहे, चाहे 20 साल पहले की बात कहे, चाहे 2 साल या 5 साल कोई भी कहे, हमारा अगर बढ़ रहा है तो पूर्व से भी बढ़ते आ रहा है जनसंख्या नहीं, और अगर घट रहा है तो पूर्व से भी घटता आ रहा है,
तो चलिए हम बढ़ने वाला पर दिखाते हैं। मान लेते हैं कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या अगर आपका x है, यानी कि n साल पहले वर्तमान जनसंख्या हो गया, और अगर हर एक साल मान लेते हैं कि 8% बढ़ा, ठीक है, तो अब हो सकता है कि आपको 3 साल बाद या 2 साल बाद पूछ दे नहीं। अब यहाँ पर हम आपको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि चलिए n के जगह पर हम ले लेते हैं 3 साल पहले, कि 3 वर्ष पूर्व कोई शहर की जनसंख्या आपको दे रहा है कितना, मान लेता है कि 2000। 3 साल पहले किसी शहर की जनसंख्या कितना है, 2000। अब देखिए यह जनसंख्या अगर हमको मान लेते हैं कि संयोग से 20% क्या रहा है, बढ़ रहा है नहीं, प्रत्येक साल 20% हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। बढ़ने के आपको घट भी दे सकता है, बढ़ या घट कोई भी रहेगा, बढ़ने वाला है प्लस लेंगे, घटने वाला में माइनस लेंगे। अब देखिए 3 साल पहले जनसंख्या 2000, हर एक साल 20% बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, जो भी मान के चलना है कोई ऊपर प्रूफ करके दिखा दे। अब तू ही बता कि 3 साल पहले इतना है तो 1 साल में जनसंख्या कितना बढ़ जाएगा, 2000 × 1 + 20/100 के ऐसे करो, 3 साल पहले हमको तो वर्तमान तक पहुंचना है, 3 साल पहले जनसंख्या अगर 2000 है और अगर हर एक साल अगर 20% बढ़ रहा है, तो जैसे ही 1 साल अगर होगा तो जनसंख्या कितना हो जाएगा, 2000 × 100 + 20/100 होगा। 3 साल पहले जनसंख्या इतना है तो 1 साल अगर हुआ तो 1 साल में हमको इतना बढ़ जाएगा, ऐसे 20% बढ़ जाएगा, फिर दूसरा का साल फिर इसमें बढ़ेगा 100 + 20/100, और फिर जैसे ही फिर तीसरा का साल आ जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले से आ रहा है तो 3 साल के बाद होते हुए वर्तमान में आ जाएगा, तो उस स्थिति में फिर बढ़ेगा 20%, 100 + 20/100 हो जाएगा। अब इस टोटल जनसंख्या को अगर हम चाहेंगे तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, ये वर्तमान जनसंख्या हो गया। और अगर मान लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या हमारा अगर पी है तो पी के बराबर हो जाएगा नहीं, ये हमारा 2000 क्या था, 2000 हमारा 3 साल पहले वाला जनसंख्या है जिसको हम लोग x से इंडिकेट किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप बताइए ये हमारा फाइनल इस तरह से हो गया कि 2000 × 100 + 20/100 पावर हो जाएगा, 4 बनाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 बनाएगा तो 5 होगा, और यह हमारा p के बराबर हो गया। अब देखिए ये 2000 को अगर हम अनुमान x के रूप में माने हैं, हमको तो यही निकालना है कि 2 साल पहले वाला जनसंख्या है कितना, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और देखो कष्ट, 2000 × 100 करेंगे तो 1 + 20/100 / 3 बराबर p, अगर एक कष्ट पावर बढ़ाते हैं तो 2000 × 1 + अगर चलिए यहाँ पर चलिए छोड़ देते हैं ये r ले लेंगे इसको हम, तो पावर 100 और तो पावर 3 को 1 मान लेते हैं बराबर p, अभी 2000 को हम x माने हैं तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या है, इसको मान लेते हैं कि x × 1 + r/100 n बराबर p। अब बताओ हमको तो यही पूछ रहा है ना कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या था कितना, सूत्र प्रूफ करने के लिए तो यहाँ से बता दो कि x का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ x का मान आ जाएगा ये बटा नीचे आ जाएगा ना जी सर, बटा 1 + r/100 n, यही ना हमको सूत्र प्रूफ हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि 3 साल पहले या 4 साल पहले की जनसंख्या अगर निकालना होगा तो वर्तमान जनसंख्या बट्टा 1 + r/100 n बढ़ित रहेगा तब, और यही चीज अगर माइनस में घटने के लिए लेते हैं तो माइनस माइनस होते हैं है ना, ठीक है, तो बताओ कोई प्रॉब्लम है। देखिए अभी जो भी टॉपिक हम समझाए हैं इसी पर आपको एक प्रश्न हम दे रहे हैं, प्रश्न आपका है कि एक कस्बे की जनसंख्या 176,400 जी सर क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 176,400 है, ठीक ना, और यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है क्या हो रहा है, आर के जगह पर कितना हो जाएगा प्लस 5%, यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि होती है तो आपको बताना है कि 2 साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, कितना सा, यानी कि आपको क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है, दर आपका दर है 5% जो कि बढ़ रहा है,
तो आपको पूछ रहा है कि दो साल पहले जनसंख्या कितना, तो बताइए दो साल पहले जनसंख्या के फॉर्मूला क्या हम लिखवाए जे भी एन वार ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है। जनसंख्या बराबर यहाँ देखिए क्या है पी बटा वन प्लस आर बटे सौ पावर एन ठीक है जवाब क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान जनसंख्या एक लाख तिहत्तर हजार चार सौ बट्टा वन प्लस आर के जवाब कितना प्लस देखिए बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है घट रहा है तो माइनस हो जाएगा क्लियर है ना हाँ तो वन प्लस पांच बट्टा एक लाख साठ हजार एन एन के जवाब कितना होगा दो साल दो वर्ष तुम पूछ रहा है दो के जवाब पांच रहे तीन रहे दस रहे बीस रहे कितना भी जो रहेगा वही होगा यानी कि पावर यहाँ पर टू अब देखिए इसको काटिए पांच से बीस एक लाख छिहत्तर हजार चार सौ वन प्लस वन बटा बीस को कर सकते हैं इक्कीस बटा बीस इक्कीस बटा बीस गुना इक्कीस बटा बीस फाइनल होगा इतना देखिए बीस बीस ऊपर चला जाएगा चार सौ लिखे सर नीचे में आपको हो जाएगा चार रन कटेगा इक्कीस गुना इक्कीस गुना चार रन कट जाएगा चार बनाते चार सौ गुना बीस गुना आठ दो एक लाख साठ हजार सोलह पर क्या जरूरत परसेंट से बने लेना हम फॉर्मूला लगा एक लाख साठ हजार सब क्या है आंसर ना सर क्या है तो आपका आंसर होगा दो साल पहले आपका फॉर्मूला के एक लाख साठ हजार आंसर होगा अब देखिए कुछ ना करा कैसे ना क्या कुछ ना उल्टा कर रहा खाली वहां से हां सभी लोग ध्यान से सुनिए इसी पर कई एक प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि जैसे ही जनसंख्या चेंज कर दे सकता है और आपको चेंज कर देगा या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा पढ़ाएगा तो प्लस लेंगे बढ़ाएगा तो माइनस लेंगे उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक पर अरे जितने भी प्रश्न आएंगे सब बन जाएंगे नहीं चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे और उस पर हम आधारित प्रश्नों को समझेंगे तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के क्लास को यहीं पर समाप्त